क्वेश्चन नंबर 17, जर्नल ऑफ ए लिमिटेड, 17 का ए, जर्नल ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। क्वेश्चन में ना छोटा सा मिस्टेक है, इसको सुधारना है। हिंदी वाले ध्यान देना बेटा, ए लिमिटेड ने एक चालू व्यवसाय की 2,50,000 की संपत्तियों को, ऐसा लिखा ना हिंदी में, संपत्तियों को क्रय किया, ये लिखा है ना, क्रय किया, इसके बीच में यहां पर लिखना 50,000 रुपए के दायित्वों के साथ क्रय किया। 2,50,000 के एसेट्स खरीदे हम लोग, इस 2,50,000 के एसेट में 50,000 के दायित्वों के साथ क्रय किया। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, यहां लिखा ना बेटा, फॉर रुपीज 2,50,000, और यहां पे लिखा है पेमेंट, ठीक है, इस पेमेंट के बीच में लिखना विथ लायबिलिटी, यहां पे ना इसके नीचे, यहां पे कहीं पे एडजस्ट करना ऊपर नीचे, विथ लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 40,000, पेमेंट वॉज मेड रुपीज 40,000 कैश एंड फॉर रिमेनिंग 15,000 डिबेंचर। चलो ठीक है बेटा, चलिए हम लोग एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बेटा सन्ड्री एसेट परचेज कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे आ रहा है ना, सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स का नाम नहीं पता, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने कैसे थे, 2,50,000 रुपीज का, ठीक है, 2,50,000 का हम लोग ने एसेट्स परचेज किया। इसमें 50,000 की क्या है, लाइबिलिटी है, एसेट्स को डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। 50,000 की इसमें क्या थी, लाइबिलिटी थी, मतलब बिजनेस को कितने में खरीदोगे आप, इस रनिंग बिजनेस को, रनिंग बिजनेस मतलब जो भी चल रहा है, ठीक है, चालू का ऐसा मतलब जो भी चल रहा है, इस बिजनेस को खरीदोगे 2,00,000 रुपए में। आप यहां पे लिख सकते हो वेंडर, ठीक है, बट यहां पे क्या लिख दिया, क्रेडिटर लिख दिया है, तो हम लोग लिख देते हैं क्रेडिटर्स, चलेगा, क्रेडिटर भी लिख सकते हो, वेंडर्स भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है, कि भाई क्रेडिटर से परचेज कर लिए, ओके, बीइंग रनिंग बिजनेस परचेस्ड, बीइंग रनिंग बिजनेस, बिजनेस परचेज विथ एसेट एंड लाइबिलिटीज, रहने दो, परचेज्ड, ठीक है। अब एंट्री नंबर टू, क्रेडिटर को पेमेंट करना 2,00,000 रुपए, इस 2,00,000 रुपए में आप 40,000 रुपए कैश दिए हो, क्रेडिटर्स को आप पेमेंट करना है 2,00,000 रुपए आपको ना, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहां से आप एस हटा दो तो अकाउंट बैठा दो, अदरवाइज कैश एस लगा के अकाउंट लिख दो, 2,00,000 रुपए इसको कैश देना है, सॉरी 2,00,000 रुपए देना था, इसको हमने कैश दिया, कैश के लिए हम लोग कैश ना लिखे बैंक लिखते हैं, कंपनी केस में टू बैंक अकाउंट, 40,000 हमने उनको कैश दे दिया, अब बाकी का हम लोगों ने उनको 15% वाला डिबेंचर दिया, टू 15% डिबेंचर अकाउंट, 15% डिबेंचर अकाउंट, कितना 2,00,000 रुपए, सॉरी 1,60,000 रुपए, 1,60,000, इसमें इसको माइनस किया तो ये आ गया, ठीक है, बीइंग कैश पेड एंड 15% डिवेंचर या डिवेंचर इशूड फॉर कंसीडरेशन, डिवेंचर इशूड फॉर कंसीडरेशन, ये क्वेश्चन नंबर 17 का एक कंप्लीट।